मैमिलिया, मैमिलिया स्पैनिश वर्ड लग रहा है बच्चा लोग। मैमिलिया का सबसे पहला फीचर है दे हैव ऑल। आई बिलीव दैट यू ऑल आर डूइंग एकदम चका, सब बढ़िया है, सब खुश है ना, सब मस्त है अपने लाइफ में। एंड आई वेलकम यू ऑल टू आवर वेरी ओन चैनल दैट इज एनसीईआरटी बेसिक्स, जहाँ पे वी आर डीलिंग विद चैप्टर नंबर 4 एनिमल किंगडम। एंड लेट मी टेल यू, ये मुझे दोबारा बोलने को नहीं मिलेगा बिकॉज दिस इज द लास्ट सेशन ऑन एनिमल किंगडम। इसके बाद भाई एनिमल किंगडम को टाटा बाबाई अपन अच्छी तरीके से कर सकते हैं बिकॉज वी हैव फाइनली रीच्ड क्लास मेमिलिया, जो कि है लास्ट क्लास दैट कम्स अंडर सब फाइलम वर्टिब्रेटा। ये क्या है बच्चा, दिस इज सब फाइलम वर्टिब्रेटा एंड हियर वी हैव मेमेलिया या फिर मैमल्स। इसके बाद भाई खत्म। सो आज का टारगेट क्या है, दिस इज द टारगेट ऑफ द डे, ठीक है, ये जो पूरा चीज़ है अपन को खत्म करना है एंड ऑल्सो सी दीज पिक्चर्स, ठीक है। इसके बाद क्या है भाई, एनसीईआरटी जो है खत्म एनिमल किंगडम की तरफ में है ना। और इसके अलावा एक और चार्ट जो है वो भी देख रखा है, वो भी अपन जल्दी से क्या है डिस्कस कर लेंगे। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ ऐसा बड़ा चढ़ा हुआ कुछ चीज़ नहीं है, इट इज़ क्वाइट ईजी, तो अपन आराम से पढ़ लेंगे ये पर्टिकुलर चीज़ दैट इज मेमिलिया। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। उससे पहले यू शुड बी वेरी वेल अवेयर अबाउट दिस थिंग, ठीक है, तो जल्दी से क्या है ये भी रिवाइज कर लेंगे कि भाई ये क्या है। सो लेट मी टेल यू, अपन फाइलम कॉर्डेटा के बारे में बात कर रहे हैं। जिनको बच्चा ये थरर है प्लीज़ 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 स्किप कर लो, आगे की तरफ बढ़ जाओ, ठीक है। जिनको थरर नहीं है उनके लिए बच्चा फाइलम कॉर्डेटा है ये। फाइलम कॉर्डेटा में क्या है ऐसा पर्टिकुलर फीचर जिसको उसका नाम दिया गया कॉर्डेटा, भाई इनमें क्या रहता है नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहता है। क्या है नोटोकॉर्ड जो है वो रहता है, और ये जो नोटोकॉर्ड इट इज रॉड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है, ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। अब फाइलम कॉर्डेटा जो है इसमें ऐसे ऑर्गेनिज्म आते हैं जिनमें लाइफ स्पैन में कभी भी, भाई एम्ब्रियोनिक स्टेज में हो सकता है, लार्वल स्टेज में हो सकता है, या फिर अडल्ट स्टेज में क्या है, अगर नोटोकॉर्ड है मतलब डाल दो भाई इनको इस पर्टिकुलर फाइलम में, तो इसके हिसाब से इस पर्टिकुलर फाइलम को तीन सब फाइलम में बांटा गया। फर्स्ट इज यूरोकॉर्डेटा, सेकेंड इज सिफालोकॉर्डेटा, फिर आया भाई अपना खुद का भाई वर्टिब्रेटा। दिस इज व्हाट सब फाइलम रैंक, याद रखना फाइलम के नीचे क्या है सब फाइलम वर्टिब्रेटा आया। तो भाई ये अलग कैसे है, उनको अलग ग्रुप में क्यों डाला गया। भाई चीज ये है कि इनमें जो भी ऑर्गेनिजम्स आते हैं ना उनके एम्ब्रियोनिक स्टेज में यू कैन फाइंड अ नोटोकॉर्ड। जैसे ही एम्ब्रियोनिक स्टेज खत्म हुआ भाई ये जो नोटोकॉर्ड है इट इज गेटिंग रिप्लेस्ड बाय समथिंग दैट इज नोन एज वर्टिब्रल कॉलम, इसलिए इनका नाम आया भाई वर्टिब्रेटा। तो उधर क्या हो रहा है, द नोटोकॉर्ड गेट्स रिप्लेस्ड बाय वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। ऐसा नहीं है कि वर्टिब्रल जो नोटोकॉर्ड उससे बन रहा है, नहीं भाई, रिप्लेस होके उसकी जगह पे कोई और आ रहा है। पर कभी कभार जैसे कुछ कुछ क्लास में क्या है कॉन्ड्रिक्टिस जैसे हो गया, इनमें क्या है नोटोकॉर्ड जो है वो भी है वर्टिब्रल कॉलम है वो भी है, दोनों जो है वो परसिस्ट कर जाते हैं, दैट इज ऑल्सो देयर, ठीक है, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, यस। फिर सब फाइलम वर्टिब्रेटा को क्या है दो डिविजन में बांटा गया, एक है अपना नाथा और दूसरा है क्या है नाथोस्टोमाटा। नाथा मतलब क्या होता है, नाथा मीन्स होता है जॉ। थोड़ा फास्ट जा रही हूँ इधर क्योंकि ये अपन बहुत बार पढ़ चुके हैं, दिस इज व्हाट जॉ, ए से क्या है एब्सेंट, तो इनमें ये एक नाथा वाले इसमें क्या है जॉ जो है वो प्रेजेंट नहीं है, इट इज एब्सेंट। अब नाथो स्टोमेटा देखो तो नाथो मतलब क्या होता है अगेन जॉ, स्टोमेटा मतलब होगा माउथ, तो इन ऑर्गेनिज्म के माउथ में क्या मिलेगा आपको जॉ मिलेगा, ठीक है। अपन के माउथ में जॉ है भाई है, उसके अंदर ही तो अपने दांत जो है ढसे हुए हैं, राइट, ऑब्वियसली, सो वी हैव जॉ, सो वी कम अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी दैट इज डिविजन नाथोस्टोमेटा। अब देखो एक नाथा को एक क्लास में बांटा गया दैट इज साइक्लोस्टोमा, ठीक है, स्टोमेटा, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा, इसके बारे में अपने पढ़ा था, लैम्प्रे जो है यहीं पे आता है, साइक्लो मतलब क्या है सर्कुलर, स्टोमेटा मतलब वो अभी मैंने बताया था माउथ होता है ना, तो इनके पास क्या है सर्कुलर माउथ है, दे हैव व्हाट अ सर्कुलर माउथ, और सर्कुलर माउथ में क्या है बहुत सारे दांत हैं, इनके पास जॉ नहीं है, तो जॉ नहीं है तो भाई कहीं पे भी दांत लगाना हो लगा दो कोई प्रॉब्लम नहीं, राइट, तो उनके दांत जो है सब जगह फैले हुए माउथ में है पूरी तरीके से, ठीक है, बहुत खुफिया जानवर है, लेट मी टेल यू। नाथोस्टोमेटा जो डिवीजन है बच्चा इसको भी बांटा गया डायरेक्ट क्लास में नहीं, इधर क्या है डायरेक्ट क्लास में बांटा गया था, पर इधर क्या है सुपर क्लास स्पाइसिस में और सुपर क्लास टेट्रापोडा में जो है बांटा गया। सुपर क्लास स्पाइसिस में क्या आएगा फिशेज आ रहा है भाई, फिशेज
टेट्रापोडा मतलब जिसके पास चार लिम्ब है ना, टेट्रा टेट्रा मतलब चार, पोडा मतलब पैर, राइट, दे हैव फोर लिम्ब्स, सो दे आर व्हाट, दे बियर लिम्ब्स, एंड हियर पाइसिस में क्या है, फिशेस है, फिशेस के पास लिम्ब है, सोचो फिश जिसके पास हाथ है कितना फनी लगेगा, ऑब्वियसली यहाँ पे रहेगा फिन्स, इंस्टेड ऑफ लिम्ब्स दे हैव व्हाट, फिन्स। इसके दो क्लास है, सुपर क्लास पाइसिस के दो क्लास है, एक है कॉन्ड्रिक्टिस जिनमें जो एंडोस्केल्टन है वो जो अंदर का जो एंडोस्केल्टन है ना, इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, इट इज मेड अप ऑफ समथिंग दैट इज नोन एज कार्टिलेज, काफी सॉफ्ट है ये, कार्टिलेज से बना है। एंड देन यहाँ पे ऑस्टिक्टिस जिनका जो एंडोस्केल्टन है इट इज मेड अप ऑफ व्हाट, बोन्स, ये नहीं पढ़ा है, सब जाके पढ़ो बिकॉज इट इज इम्पॉर्टेंट। एंड देन वी कम केम टू टेट्रापोडा, अपन ने कंप्लीट कर दिया एम्फीबिया रेप्टिलिया, ए स्वराज अपन है भाई मैमल्स में, बताओ क्या करे, मिठाई खिलाओगे मुझे? चलो फिर शुरू करते हैं, मैमिलिया, मैमिलिया स्पैनिश वर्ड लग रहा है बच्चा लोग। मैमिलिया का सबसे पहला फीचर है दे हैव डेवलप्ड मैमरी ग्लैंड, क्या है इनके पास, मैमरी ग्लैंड है, ये इनका क्या है, डिस्टिंक्टिव फीचर है मैमरी ग्लैंड होना। मैमरी ग्लैंड से क्या करता है, मैमरी ग्लैंड हेल्प्स इन व्हाट, प्रोड्यूसिंग मिल्क, मिल्क जो है प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। तो मैमिलियंस जो मैमिलिया में आते हैं, इस पर्टिकुलर क्लास में आते बच्चा, उनकी जो फीमेल्स है मोस्टली क्या है, फीमेल्स हैं, कई बार एक्सेप्शन है जहाँ मेल्स भी जो है मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, दैट इज देयर, फॉर एग्जाम्पल हो गया प्लैटिपस के केस में, वहाँ जो है मेल्स भी जो है क्या कर रहा है, मिल्क प्रोड्यूस कर रहा है, दैट इज अ डिफरेंट केस, ठीक है, बट यूजुअली इधर क्या हो रहा है, दे हैव वेल डेवलप्ड मैमरी ग्लैंड इन फीमेल्स, इन फीमेल्स। और क्या मिलेगा आपको, अपने आप को थोड़ा गौर से देखो क्या क्या फीचर्स है जो उनमें से बाकी ऑर्गेनिज्म से अलग है। आप एक स्नेक और आपको इमेजिन करो, रियली से इमेजिन करो, क्या स्नेक के पास बाल है भाई, उसके बदन में क्या बाल है, कैन यू फाइंड हेयर ऑन अ स्नेक्स बॉडी, नो यू वोंट बी एबल टू फाइंड हेयर ऑन स्नेक्स बॉडी, बट वी डू हैव हेयर, है ना, अपन के पास क्या है, हेयर है, बाल है अपने बॉडी में, सो वी डू पॉसेस व्हाट, हेयर, सो दे हैव हेयर ऑन देयर बॉडी, ठीक है, कितने लिम्स है बच्चा, वी हैव टू फोर लिम्स एंड टू हाइंड लिम्स, क्या है, वी हैव टू पेयर ऑफ लिम्स, टू पेयर ऑफ लिम्स, है ना, और क्या फीचर है, सोचो सोचो और क्या फीचर हो सकता है अपने, अलग हटके क्या फीचर हो सकता है, और हटके फीचर तो भाई अपन के पास भी क्या, फोर चेम्बर्ड हार्ट है, फिशेस के पास भी था फोर चेम्बर्ड हार्ट, अपने पास भी क्या है, वी हैव फोर चेम्बर्ड हार्ट, फोर चेम्बर्ड हार्ट मानते हैं तो दो ऑरिकल रहेंगे, मतलब दो एट्रियम रहेंगे और दो वेंट्रिकल रहेंगे, है ना, दो एट्रियम है दो वेंट्रिकल है, फॉर एग्जाम्पल इट लुक्स लाइक दिस, जस्ट अ सेकेंड, ये क्या है, दो एट्रियम है, ये दोनों एट्रियम है और ये दोनों क्या है, वेंट्रिकल है, यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करेगा, क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रैवल करेगा, और इस तरफ से क्या है, सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो ट्रैवल करेगा। अभी तक आपने देखा था थ्री चेम्बर्ड हार्ट, एम्फीबिया रेप्टाइल्स में सब क्या है, थ्री चेम्बर्ड हार्ट था, ठीक है, और फिशेज के इसमें क्या है, दे हैव टू चेम्बर्ड हार्ट, तो थ्री चेम्बर्ड हार्ट का प्रॉब्लम क्या था कि भाई उनमें मिक्सिंग हो रहा था, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड और ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है मिक्स हो रहा था, तो उनके जो सारे सेल्स है भाई उनको थोड़ा कम जो है ऑक्सीजन मिल रहा था, ठीक है, पर यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पे दे हैव सेपरेट जोन कि भाई इस तरफ से क्या है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा और इस तरफ से क्या है, सिर्फ और सिर्फ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, तो यहाँ पे सारे सेल को क्या है, एकदम पक्का प्योर जो है असली वाला माल मिलेगा, दैट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड, है ना, सो व्हाई, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस थिंग, बिकॉज बच्चा लोग ये ऑक्सीजन जो है ये सारे सेल्स को चाहिए, क्यों चाहिए भाई, ऑक्सीजन से क्या बनेगा, एनर्जी रिलीज होगा, एनर्जी जो है वो बनेगा, एटीपी बनता है ईटीसी साइकिल में, ठीक है, तो एनर्जी जो है आपको बॉडी में चाहिए, क्यों चाहिए भाई, बॉडी के सारे जो फंक्शंस है वो करने के लिए, एंड ऑल्सो फॉर मेंटेनिंग व्हाट अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर, क्या है, अपन को एक कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करना है, क्योंकि अपन है क्या, वी आर होमियोथर्म्स या फिर warm blooded animals,
क्या है, अपन होम्योथर्म्स है या फिर अपन वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, अपन को एक कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना रहता है। क्यों है अपन ऐसे? होम्योथर्म्स मतलब वो ऑर्गेनिज्म जो एक एक पर्टिकुलर बॉडी टेम्परेचर जो है हमेशा मेंटेन करके रखता है, मतलब बाहर कुछ भी चल रहा हो अंदर जो है टेम्परेचर जो है फिक्स्ड है, कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर। ऐसा क्यों कर रहा है? वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर? बच्चा अपने बॉडी की जो एंजाइम्स है वो सब क्या है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर में चलते हैं। ऐसा पता चला कि अगर बाहर का टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा गर्मी हो गया तो अपन अंदर भी बहुत ज़्यादा गर्मी हो गया तो ऑब्वियसली एंजाइम्स जो है भाई रुकना चलना जो है बंद कर देंगे, बहुत बहुत ज़्यादा व्हाट से क्या बोलते हैं, बहुत पर्टिकुलर है अपने काम में ये लोग, ठीक है। तो उनको क्या है, पक्का पक्का जो है टेम्परेचर सब कुछ जो है प्रोवाइडेड रहना चाहिए, बहुत ना करें इनके, ठीक है। तो ऑब्वियसली इनको क्या है, कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर चाहिए। सो दैट इज वाई वी हैव अ फोर चेंबर हार्ट एंड ऑल्सो बिकॉज वी वॉन्ट एनर्जी। ऑक्सीजन से क्या मिलेगा, एनर्जी प्रोड्यूस होगा और एनर्जी से बहुत सारे काम होंगे, ठीक है। दिस इज देयर। और क्या है इनका फीचर बच्चा? हाँ, अभी तक किसी के पास क्या था, एक्सटर्नल ईयर नहीं था, ये जो आउटर ईयर है वो नहीं था, पर अब जाके आ गया। फिशेस के पास था क्या? नहीं। एम्फीबियंस के साथ था क्या? नहीं। रेप्टाइल्स के पास था? नहीं था। स्नेक के पास था क्या? नहीं, राइट। एंड देन वी हैव व्हाट, बर्ड्स। बर्ड्स के पास था? किसी के पास नहीं था। अब जाके आया क्या भैया, एक्सटर्नल ईयर, पिन्ना, ये वाला जो एरिया है इसको क्या बोलते हैं, पिन्ना। तो आप सोचो भाई ये क्या कर रहा है, ये सारे जगह से जो आवाज है वो गैदर करके अंदर की तरफ ले जा रहा है। ये थोड़ा बहुत ही ज्यादा क्या है, मॉडिफाइड स्ट्रक्चर है ना, कुछ चीज आप ऐसे करके बोलते हो तो ज्यादा आवाज आती है, ज्यादा आवाज आपको सुनाई पड़ती है। सो दिस इज एक्चुअली क्रिएटिंग अ चैनल फॉर व्हाट मोर व्हाट से अ गुड क्वालिटी ऑफ व्हाट से साउंड रिसीवल, है ना। गुड क्वालिटी ऑफ साउंड रिसीवल के लिए वी हैव व्हाट, एन एक्सटर्नल पिना या फिर एक्सटर्नल ईयर। सो दैट इज समथिंग दैट इज वेरी न्यू फॉर अस, ठीक है। और फिर डेंटिशन के बारे में बात करें, दांत के बारे में बात करें, तो भाई अपन के पास क्या है, अपने जॉ में क्या है, दांत जो है लगे हुए हैं, है ना, अंदर की तरफ धसे हुए हैं। सो वी हैव थीकोडोंट डेंटिशन। क्या है? थीकोडोंट डेंटिशन। उसके अलावा क्या है, अपने जो दांत है वो गिरते हैं, ठीक है। मिल्क टीथ आता है, फिर व्हाट से नया टीथ आता है, सो दैट इज ऑल्सो देयर। और क्या है, और क्या है भाई, अपने पास अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ टीथ है ना, कैनाइन साइंसिस है, मोलर्स है, प्री मोलर्स है, वी हैव डिफरेंट हेट्रो डॉन्ट कंडीशन ऑल्सो, डेंटिशन ऑल्सो। सो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच इज रेयर एंड दैट इज फाउंड ओनली इन मैमल्स, ठीक है। थीकोडोंट डेंटिशन जो है, ठीक है, दैट इज ऑल्सो फाउंड इन व्हाट से क्रोकोडाइल्स ऑल्सो। क्रोकोडाइल्स में भी आप देख सकते हो, क्रोकोडाइल्स कहाँ पे आता है, रेप्टाइल्स में, ठीक है, भूलना नहीं ये चीज़। सो दैट इज देयर। और क्या पढ़ना है इनके बारे में भाई, इनके बारे में और क्या पढ़ना है, रेस्पिरेशन जो है लंग्स से हो रहा है, ऑब्वियसली अपन को पता है अपन में क्या है, वी हैव लंग्स, सो रेस्पिरेशन लंग्स से होता है बच्चा इनका। फर्टिलाइजेशन कहाँ होता है, इंटरनल होता है, क्योंकि वी हैव व्हाट, जेनिटल ऑर्गन्स। क्या है अपने पास, जेनिटल ऑर्गन्स है, तो फर्टिलाइजेशन विल बी व्हाट, इंटरनल। स्पर्म और एग जो है बॉडी के अंदर मीट हो रहा है, राइट। और फिर इट विल प्रोड्यूस अ यंग वन। यूजुअली क्या है, मैमल्स जो है इट विल गिव राइज टू व्हाट, यंग वंस डायरेक्टली। ये विविपेरस ऑर्गेनिजम्स होते हैं, पर एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, आई विल टेल यू, डू नॉट वरी अबाउट दैट। तो यहाँ पे लिख दूं मैं, फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, बॉडी के अंदर हो रहा है, फीमेल के अंदर, फीमेल के बॉडी के अंदर हो रहा है फ्यूजन मेल और फीमेल गेमिट्स का, ठीक है। इसके अलावा क्या है, सेक्सेस जो है सेपरेट, ऑब्वियसली मेल और फीमेल गेमिट प्रोड्यूस करने के लिए दो लोग, अलग अलग लोग हैं, ठीक है। सो वी हैव सेक्सेस आर व्हाट, आर सेपरेट एंड मोस्टली वी आर व्हाट, विविपेरस। क्या है अपन लोग बच्चा, मोस्टली अपन लोग है विविपेरस, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर। एंड डेवलपमेंट जो है बच्चा डायरेक्ट रहेगा, ऑब्वियसली डायरेक्टली क्या है, वी आर गिविंग राइज टू यंग वंस, तो डेवलपमेंट जो है वो भी डायरेक्ट रहेगा। ये कहाँ लिखूँ मैं, कैन आई राइट इट हियर, इधर लिख देते हैं,
तो जल्दी से रिवाइज कर लेंगे, ठीक है, वी विल रिवाइज इट वेरी क्विकली. सबसे पहली बात जो बहुत यूनिक है मैमल्स में, दैट इज दे हैव अ वेरी वेल डेवलप्ड मेमोरी ग्लैंड जो प्रोड्यूस करता है मिल्क. और वो मिल्क क्या है, वे अपन बच्चों को फीड करते हैं विद द हेल्प ऑफ मिल्क, राइट. एंड इट इज यूजली फाउंड इन फीमेल्स, पर मेल्स में भी पाया जाता है, आई टेल यू, ठीक है, उसे एग्जाम्पल मैं दूंगी. और फिर नेक्स्ट फीचर क्या है भाई, अपने बॉडी में क्या है, वी कैन फाइंड हेयर, अपन के बॉडी में वी कैन फाइंड हेयर, सो दैट इज अ वेरी बिग फीचर, ठीक है. अगला क्या है, टू पेयर्स ऑफ लिम्स है, दो पैर है लिम्स के, ठीक है, एक फोर लिम है और एक हाइंड लिम. हाइंड लिम से क्या है, कुछ कुछ लोग जो है, कुछ कुछ जो मैमल्स है उनके पास वो मॉडिफाई हो जाते हैं क्या, फ्लैप, वो क्या है, व्हाट से, पानी में मूव करने में हेल्प करता है, ठीक है, फ्लिपर्स बन जाते हैं. और भी बहुत सारे क्या है अडेप्टेशन जो है हाइंड लिम्स में आता है, ठीक है. देर आर डिफरेंट मॉडिफाइड वर्जन ऑफ व्हाट हाइंड लिम्स, जो नीचे वाला पैर वाला रीजन है, ठीक है. सिमिलर द सेम थिंग गोज विद हैंड्स एज वेल. एंड देन वी हैव फोर चेम्बर्ड हार्ट. वी क्या है, अपने पास फोर चेम्बर्ड हार्ट है अलग अलग जोन से भाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करने के लिए एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड ट्रैवल करने के लिए वी हैव डिफरेंट डिफरेंट एरियाज, राइट. क्यों भाई, क्यों, क्योंकि अपन को एनर्जी चाहिए. और एनर्जी कहाँ से मिलेगा, अगर ऑक्सीजन रिलीज होगा ज़्यादा, ऑब्वियसली एनर्जी जो है वो भी ज़्यादा बनेगा. एंड देन वी आर वॉट होम्योथर्म्स. वी क्या, वी आर वॉट होम्योथर्म्स बिकॉज वी हैव टू मेंटेन वॉट अ कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर. अपन को क्या है, एक बॉडी टेम्परेचर, कॉन्स्टेंट बॉडी टेम्परेचर जो है वो मेंटेन करना है, ठीक है. दैट इज वाई वी नीड एनर्जी एंड फॉर दैट वी हैव अ फोर चेम्बर्ड हार्ट. एंड फिर बात करें, वी हैव एन एक्सटर्नल पेना, ये जो एक्सटर्नल ईयर है वी हैव दैट, ठीक है, दैट इज ऑल्सो देयर. एंड थिकोडॉन डेंटिशन है इनके पास. थिकोडॉन डेंटिशन मतलब क्या है, जॉ में जो है दांत बसे हुए हैं. फर्टिलाइजेशन जो है इंटरनल है, बॉडी के अंदर हो रहा है. सेक्सेस जो है बच्चा दोनों सेपरेटेड है, अलग अलग बॉडी में रहेंगे, ठीक है, अलग अलग. एक बॉडी जो है, एक जो ऑर्गेनिज्म है, इट विल एक्ट लाइक अ फीमेल, अदर ऑर्गेनिज्म विल एक्ट लाइक अ मेल. इट विल प्रोड्यूस मेल गैमेट एंड दिस वन विल प्रोड्यूस फीमेल गैमेट, ठीक है. और मोस्टली क्या है, लोग विविपेरस, दैट इज इट इज डायरेक्टली गिविंग राइज टू यंग वंस. अंडे नहीं बनते हैं, इट इज डायरेक्टली गिविंग राइज टू यंग वंस. इट इज मोस्टली विविपेरस. सब लोग वो विविपेरस नहीं है, ठीक है, कीप दैट इन माइंड. फिर ये डायरेक्ट डेवलपमेंट जो है बच्चा वो शो करते हैं. इसमें कोई इनडायरेक्ट डेवलपमेंट नहीं है, मतलब कुछ लार्वल स्टेज नहीं बन रहा है पहले. सोचो आप जन्म दे रहे हो किसी लार्वा को पहले, फिर वो लार्वा जो है एक ऑर्गेनिज्म बना, ऐसा तो हो नहीं रहा ना. We are giving rise to a young one. So this is direct development. ठीक है? अब देखो, अब अगर आपको, अपन एक काम करते हैं, ये पूरा पढ़ लेते हैं. Then we will see the examples. ठीक है? तो examples पढ़ने के लिए मेरे को आपको शायद तक थोड़ा और classification बताना पड़ेगा. So let's read this first. चलो. They are found in a variety of habitats, that is polar ice caps, deserts, mountains, forests, grasslands and dark caves. Why, bhaiya? Because we have too much modification na. Apna jo hai, we are very well developed. We have a very well developed brain also. Apne paas dimag hai bhai, kaise istemal karna hai apko pata hai. Aur apna body jo hai, aisa adapted hai ki kuch bhi kahin pe bhi raagi dal do, we will survive, hai na? Some of them have adapted to fly or live in water. Oh, उड़ने वाले mammals भी है. कौन है उड़ने वाले mammals? Bat. Bat क्या है? Bat is a mammal. ठीक है? Bat जो है उड़ता है. और फिर there are few of them that live in water. Live in water. That is also there. है ना? Ornithorhynchus जो है, it lives in what? Water. So that is also there. That is platypus. बारे में पढ़ेंगे. Do not worry. The most unique mammalian characteristic is the presence of milk-producing glands, that is mammary glands. I told you it is a distinctive feature by which the young ones are nourished. इससे क्या है? Young ones जो है, they get nourishment. They have two pairs of limbs adapted for walking, running, climbing, burrowing, swimming or flying. अब वो क्या है? Modify हो सकता है. इससे कुछ भी कर लो. उड़ना है उड़ो, swim करना है swim करो, जो करना है करो, ठीक है? The skin of mammals is unique in possessing hair. क्या है इनकी skin में? We have hair. External ears or pinnae. Oh, इधर मैं एक E भूल गई हूँ. Please, आप जो E है वो डाल देना. Please. कहाँ है भाई? ठीक है? Pinnae are present. Different types of teeth are present in the jaw. I told you heterodont है. ठीक है? इनमें क्या है? अलग अलग type के दांत मिलेंगे. Incisors, molars, premolars सब मिलेंगे. Heart is four chambered. They are homeothermous. बता दिया. Respiration is by lungs. Sexes are separate. अलग अलग sexes रहेंगे. Fertilization जो है internal है.
ठीक है, दे आर व्यू पेरिस विद अ फ्यू एक्सेप्शन जिनके बारे में अभी अपन पढ़ेंगे. एंड देन डेवलपमेंट इज वॉट डायरेक्ट डायरेक्ट डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा. इधर कोई चिट्टी कुछ छोटा सा चुनु मुनु पैदा नहीं हो रहा है, डायरेक्टली एक नया ऑर्गेनिज्म जो है वो जन्म ले रहा है. ओके, सो वी हैव वॉट, ये है क्लास मैमेलिया. क्लास के नीचे क्या आता है, ऑर्डर आता है, राइट. किंगडम, सॉरी, किंग पीटर केम ओवर, है ना, किंग पीटर केम ओवर. ओवर से, ओ से क्या है, ओ से वी हैव ऑर्डर. सो दिस इज ऑर्डर, प्रोटोथीरिया, वी हैव मेटाथीरिया, एंड देन वी हैव यूथीरिया. यूथीरिया में आएंगे क्या बच्चा, प्लासेंटल मैमल्स. प्लासेंटल मैमल समझते हो, जैसे अपन लोग है, अपन में क्या है, वी हैव व्हाट द फीमेल्स हैव व्हेन वी आर प्रेग्नेंट. क्या होता है, अपने एक एक स्ट्रक्चर बनता है जिसको अपन बोलते हैं प्लासेंटा. एक डिस्क शेप्ड स्ट्रक्चर बनता है विच हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, है ना. तो प्लासेंटा रहता है, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या बोलते हैं, प्लासेंटल मैमल्स. और ये कहाँ पे आते हैं, यूथेरिया ऑर्डर में आते हैं. एंड देन वी हैव मेटाथीरिया. मेटाथीरिया में कौन आएगा भाई, मेटाथीरिया में क्या है, उसमें वीकली डेवलप्ड प्लासेंटा रहता है. वीकली डेवलप्ड प्लासेंटा रहता है. यहाँ पे कौन आएंगे बच्चा, यहाँ पे आएंगे आपके मार्सुपियल्स. मार्सुपियल समझते हो कौन है, मार्सुपियल्स समझते हो कौन है भाई. आपको ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है, जस्ट आपको एग्जाम्पल पढ़ने के लिए मैं आपको बता रही हूँ. मार्सुपियल्स जहाँ पे रहेंगे पाउचेस, है ना, उनके बॉडी में क्या रहेगा, पाउच रहेगा. फॉर एग्जाम्पल हुआ कौन, कैंगरू, है ना. कैंगरू में आपने देखा होगा वो क्या है, बेबी कैंगरू को लेकर घूमता है, इट हैज अ पाउच, राइट. सो उस पाउच में क्या है, एक्चुअली बेबी जो है वो डेवलप होता है, ठीक है. वजाइना से जो बेबी कम्स, इट स्टेज इन द पाउच. पाउच में क्या है, निपल रहेगा, ठीक है. और निपल से क्या है, उसको मिल्क मिलते रहेगा. धीरे धीरे से क्या है, जो बेबी है, इमेच्योर बेबी है, इट विल ग्रो, ठीक है. बेबी नहीं एक्चुअली, उसको कुछ बोलते हैं, आई एम नॉट एबल टू रिकलेक्ट द नेम. या वो जो है वो ग्रो होके एक मेच्योर कैंगरू बनता है, ठीक है. अपन केस में क्या है, अपन जैसे बाहर निकलते हैं, वी कम आउट टू दिस वर्ल्ड एज अ मेच्योर बेबी, राइट. टोटली मेच्योर जो है बेबी, मेच्योरिटी एज अ नॉट मेंटल मेच्योरिटी, ठीक है, फिजिकल मेच्योरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है. मेच्योर बेबी की जैसे अपन बाहर आते हैं, पर इनके केस में ऐसा नहीं, बाहर आते तो इमेच्योर रहते, फिर धीरे धीरे जो ग्रो होते टोटली मेच्योरिटी जो है अटेन करते हैं, ठीक है. और फिर वी हैव प्रोटोथीरिया. प्रोटोथीरिया में कौन आता है बच्चा, इधर कोई बच्चा बच्चा रिलीज नहीं हो रहा है बच्चा, क्या बन रहा है इधर, इधर हो रहा है एग लेइंग एक्टिविटी. इसमें क्या आएंगे, एग लेयर्स आएंगे. एग लेयर्स में एग्जांपल कौन है, सिर्फ एक ही है, दैट इज आवर वेरी ओन प्लैटिपस. एक ही नहीं है, दो है एक्चुअली, पर आपके बुक में एक ही है, दैट इज प्लैटिपस. प्लैटिपस, ठीक है, जिसको बोला है, इसका एक्चुअल नाम है ओर्निथो रिंकस. क्या है इसका एक्चुअल नाम, ओर्निथो रिंकस है इसका एक्चुअल नाम. लेट मी शो यू, ये है अपना प्लैटिपस. ओर्निथो क्यों बोला इनको, क्योंकि ओर्निथो मतलब क्या होता है, बर्ड, है ना. तो इनका जो चोच है भाई, ये बर्ड जैसे, डक जैसे दिख रहा है ना, सो दैट इज वाई इनको ओर्निथो बोला है. ओर्निथो रिंकस है, दिस इज व्हाट प्लैटिपस. ये लोग क्या करते हैं भाई, ये लोग बोलते हैं क्लास मैमेलिया में हम ही सिर्फ एक एक्सेप्शन है, बिकॉज हम ले करेंगे क्या, एग. वी विल ले वॉट, एग. तो ये लोग क्या करते हैं, एग ले करते हैं, ठीक है. और इनमें आपको मिलेगा बच्चा दो चीज, इधर क्या होता है, जो मेल है और फीमेल है वो दोनों क्या है, वो प्रोवाइड कर सकते हैं मिल्क. उनके जो मेमोरी ग्लैंड इट इज वर्किंग और वो प्रोवाइड करता है मिल्क. सो दिस इज वॉट आई वॉज सेइंग, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. तो ये है प्लैटिपस या फिर ओर्निथोरिंकस. क्या है, ओके okay? अब देखो और क्या है. और तो कुछ नहीं है, बस यही था बताने के लिए, ठीक है. अब जल्दी से अपन पिक्चर देखेंगे. ये कौन है भाई, फ्लाइंग फॉक्स. दिस इज फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है. दिस इज अ बैट. एंड देन वी हैव वेल. वेल आपको पता है ना, ऑब्वियसली यू माइट बी अवेयर ऑफ दैट, कि भाई वेल जो है वो इसी कैटेगरी में आता है, दैट इज दे कम अंडर क्लास मैमेलिया. आप सोच रहे हैं व्हेल्स मैम वो फिश नहीं है, नहीं भाई वो फिश नहीं, इनके पास गिल्स नहीं रहता, इनके पास लंग्स रहता है. दे हैव व्हाट, लंग्स, दे डू नॉट हैव गिल्स एंड ऑल. तो ये जो सांस लेने के लिए आया, इधर देख रहे हो आप, ये क्या कर रहा है, सांस लेने के आया, इसके ऊपर जो है इधर क्या है, एक ब्लो होल रहता है. क्या है, एक ब्लो होल रहता है. लेट मी राइट इट डाउन फॉर यू गाइस.
ये जो है इधर एक, ये जो ब्लो होल है इधर से क्या होता है, इसके ऊपर जो भी पानी है ठीक है ऊपर आया और क्या करा इसको इनहेल और एक्जेल करना है ठीक है। तो उसने कह रहा जल्दी से क्या है, इसने जो भी एयर था वो बाहर निकाला ठीक है, क्या है पूरा एयर जो है वो बाहर निकाला। तो ऊपर जो पानी है ब्लो होल के ऊपर वो सब पानी जो है ऐसे करके बाहर जा रहा है, मतलब ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसा नहीं कि बॉडी से पानी आ रहा है, दैट इज नॉट देयर। जस्ट इनकी बॉडी के ऊपर जो ब्लो होल के ऊपर जो पानी था, इट इज व्हाट व्हाइल एक्सपेलिंग द एयर आउट, ये जो पानी है वो भी जो है लगता है ऊपर ठीक है। अब जो है फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में क्या है वो इनहेल कर देते हैं, जल्दी से अपना ब्लो होल बंद कर देते हैं और नीचे चले जाते हैं। सो इनको जब भी ब्रीथ करना रहता है दे हैव टू कम अप। सिमिलरली वी हैव डॉल्फिन्स आल्सो, व्हेल्स एंड डॉल्फिन्स दे कम अंडर दिस पर्टिकुलर कैटेगरी ओनली, दैट इज दे आर व्हाट मैमल्स, कीप दिस थिंग वेरी क्लियर इन योर माइंड ठीक है। ये मुझे पता है काफी ज्यादा व्हाट से सरप्राइजिंग होगा आपके लिए, पर यही सच है बच्चा लोग ठीक है। डॉल्फिन्स बाबा भी इसी में आते हैं ओके। तो जल्दी से ये देखो एग्जाम्पल्स देख लो आप, वी हैव ओवीपेरस, ओवीपेरस मतलब जो अंडे देते हैं, दे गिव व्हाट दे ले एग्स राइट। सो ओवीपेरस में वी हैव ओर्निथोरिंकस दैट इज प्लैटिपस ठीक है, एंड देन वीवीपेरस में वी हैव, वीवीपेरस मतलब क्या है वो ऑर्गेनिज्म विच गिव राइज टू यंग वंस राइट, दे गिव राइज टू यंग वंस। तो उसमें कौन कौन है, मैक्रोपस है दैट इज कैंगरू, वी हैव टेरोपस दैट इज फ्लाइंग फॉक्स, जो आपका बैट था ये आपको ऐसे ही याद करना पड़ेगा ठीक है, दैट इज मैक्रोपस दैट इज, फिर वी हैव टेरोपस, देन वी हैव कैमलिस जो कि कैमल, मैकाका ये जो अपना कौन है भाई, दिस इज मंकी राइट मैकाका, एंड देन वी हैव रैटिस, कैनस दैट इज डॉग, फेलिस दैट इज कैट, एलिफेस दैट इज एलिफेंट, इक्विस दैट इज हॉर्स। कुछ की चीज़ें जो है नाम से मिलते जुलते, सो यू विल गेट टू नो ठीक है। एंड देन वी हैव डेल्फिनस दैट इज कॉमन डॉल्फिन, एंड देन वी हैव बेलेनोप्टेरा दैट इज ब्लू व्हेल, ब्लू व्हेल जो है बेलेनोप्टेरा वो भी इधर ही आता है, फिर पैंथेरा टाइग्रस दैट टिग्रस दैट इज टाइगर, एंड देन वी हैव पैंथेरा लियो दैट इज लायन ओके। कौन कौन है, एक है ओर्निथोरिंकस ठीक है दैट इज प्लैटिपस ठीक है, ये क्या है दिस इज ओवी पेरिस, क्या है ओवी पेरिस मतलब अंडे देती है, एंड देन वी हैव वीवी पेरिस ऑर्गेनिज्म कौन है, माइक्रोपस क्या है मैक्रोपस जो कि कौन है कैंगरू, एंड देन वी हैव टेरोपस दैट इज फ्लाइंग फॉक्स, वी हैव कैमलस दैट इज कैमल, मैकाका जो है वो है मंकी, एंड देन वी हैव रैटस दैट इज रैट, और वी हैव कैनस दैट इज डॉग, फेलिस दैट इज कैट, एलिफस दैट इज एलिफेंट, इक्विस दैट इज हॉर्स, ये देखो मैं आपके साथ ही पढ़ रही हूँ, डेल्फिनस दैट इज डॉल्फिन, एंड बेलेनोप्टेरा दैट इज ब्लू व्हेल, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव पैंथेरा टिग्रिस एंड पैंथेरा लियो ठीक है। इतना सब कुछ जो है ये आपको एकदम क्लियर रहना चाहिए, दीज आर दी एग्जाम्पल्स ठीक है। एंड विद दिस वी हैव फिनिश्ड क्लास मेमेलिया एज वेल, ये भी खत्म हो गया है, जल्दी से अपन बच्चा ये देख लेंगे, दिस इज व्हाट, ये अपना व्हाट से चार्ट है आई गेस ओके ठीक है, जल्दी से चार्ट देख लेंगे उसके बाद खत्म ओके। मैं इसको जूम नहीं कर सकती शायद ओके फाइन ओके। देखो पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में क्या होगा, सबसे प्रिमिटिव फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे, सेलुलर है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है सेलुलर है, सिमेट्री क्या है, अलग अलग टाइप की सिमेट्री रहती है, पर मोस्टली दे आर व्हाट एसिमेट्रिकल, इसको कहीं से भी काटो आपको इक्वल हाफ्स में नहीं मिलेगा। सीलोम क्या है, एब्सेंट है ऑब्वियसली, इनके पास क्या है सीलोम होगा क्या, ऑब्वियसली नहीं है, जर्म लेयर्स ही नहीं है इनके पास ढंग से, तो ऑब्वियसली क्या है सीलोम का असर रहेगा, सीलोम नहीं है। सेगमेंटेशन कुछ नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं, कुछ भी नहीं मिलेगा, बहुत प्रिमिटिव लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है इनके पास है ना, दैट इज दे हैव सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इनकी सेल्स जो है वही सारे काम कर लेते हैं, तो सिस्टम की जरूरत नहीं पड़ती इनको भाई ठीक है। बॉडी विद पोर्स एंड कैनाल्स इन द वॉल्स, तो इनके पास क्या है एक पर्टिकुलर फीचर आप लिख रख दो, दे हैव वाटर कैनाल सिस्टम, लिख दो वाटर कैनाल सिस्टम ठीक है, ये एकदम याद होना चाहिए। वेयर इज माई पेन, ओहो जूम्ड में पेन नहीं चलता ओके। सो सबसे पहला फीचर क्या है, वाटर कैनाल सिस्टम पॉरीफेरस में ठीक है। अब अगला क्या है, सीलेंट्रेट्स, अपन पहले वो पढ़ेंगे ठीक है। सीलेंट्रेट्स का सबसे बड़ा फीचर क्या है भाई, इनके पास है नीडोब्लास्ट, दैट इज व्हाई दे आर नोन एज नीडेरियंस, क्या है नीडेरियंस बोलते हैं इनको। इनके पास क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है भाई, इन्हीं के पास नहीं, इन्हीं के पास भी रहता है। टीनोफोरा और सीलेंट्रेटा दोनों जो है भाई बहन है, बेस्ट फ्रेंड्स है ठीक है। इन दोनों के पास क्या है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है,
भाई इन दोनों के पास क्या है, रेडियल सिमेट्री है, दोनों के पास क्या है रेडियल सिमेट्री, बीच में से काटो कहीं से भी काटो आपको क्या है इक्वल हाफ्स मिलेगा, मतलब मोर देन वन प्लेन से आप काटो आपको इक्वल हाफ्स मिलेगा। सीलोम इनके पास नहीं है, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक है दोनों, क्या है डिप्लोब्लास्टिक है, सेगमेंटेशन भी नहीं है। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनकम्प्लीट है, इनकम्प्लीट से मतलब क्या है इनका जो माउथ है और एनस है एक ही जगह खुलता है, दोनों के लिए क्या है एक ही ओपनिंग है, दैट इज व्हाई इट इज इनकम्प्लीट। ये भी एब्सेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है इन भाई इनके पास, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है, क्या ही होगा आप सोचो क्या है इनके पास, ये टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। और इधर टीनोफोरों का एक व्हाट से फीचर क्या है, दैट इज दे हैव कोम प्लेट्स फॉर लोकोमोशन, कोम प्लेट्स रहता है ना उनको कोम जेलीज बोलते हैं, क्या है टीनोफोरों को क्या बोलते हैं कोम जेलीज बोलते हैं। तो आई गेस आई शुड एक्चुअली मेक इट ऑल्सो, ये हो गया। दीज आर वॉट कोम जेलीज, इनके इसमें क्या है 8 प्लेट्स रहता है राइट, उसमें पूरा सीलिया का टफ रहता है, अगर आप सोच अगर आपको याद आ रहा हो तो। सो दीज आर वॉट कोम जेलीज, ओके। और ये दोनों का मोस्ट फीचर्स क्या है, इट इज़ वेरी वेरी सिमिलर टू ईच अदर। एंड देन वी हैव प्लैटी हेलमिंथस, भाई प्लैटी हेलमिंथस सबसे पहला वो फाइलम है जहाँ पे आपको दिखा ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। क्वेश्चन आया ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहाँ है, जल्दी से लिख देना भाई प्लैटी हेलमिंथस। बुक में आपके ये भी लिखा है कि ऑर्गन सिस्टम लेवल भी है, ठीक है। तो कुछ कुछ जो है सिस्टम है उनके पास, बट इट इज़ नॉट वेरी वेल डेवलप्ड, दैट इज वाई मे बी ऑर्गन सिस्टम भी लिखा है। इनका मेन फीचर क्या है, फ्लैट बॉडी सकर्स है इनके पास, फ्लैटी हेलमिंथस मतलब क्या है फ्लैटेंड बॉडी रहता है, डोर्सोवेंट्रली दे आर फ्लैटेंड, और उनके पास क्या है सकर्स है ताकि वो लोग जो है वो पकड़ के रह सके बॉडी के अंदर, ठीक है। ये लोग कैसे ऑर्गेनिज्म है, यहाँ से सबसे पहले क्या है बायोलैटरल सिमेट्री जो है दिखने लगी है, ठीक है। बायोलैटरल सिमेट्री जो है यहीं से दिखने लगी है। उसके बाद क्या है सीलोम क्या इनके पास है क्या, नहीं सीलोम नहीं है इनके पास। इनका जो है मीसोडर्म, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी प्लान है इनके पास, तीनों के तीनों लेयर्स हैं इनके पास, बीच में क्या है सीलोम, क्या सीलोम में कैविटी नहीं बन रहा है। सेगमेंटेशन है क्या, नहीं है भाई। डाइजेस्टिव सिस्टम भाई इनमें भी इनकम्प्लीट है, कहाँ से शुरू होता है एस्क हेलमिंथस से जो है डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो शुरू होता है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो शुरू होता है। कंप्लीट मतलब अलग अलग पोर्स है, एनस के लिए अलग पोर, मतलब माउथ के लिए अलग पोर, और एनल के लिए एनस के लिए अलग पोर है, ठीक है। यहाँ पे प्लैटी हेलमिंथस में सर्कुलेटरी सिस्टम है क्या, नहीं भाई कुछ नहीं है इनके पास। रेस्पिरेटरी सिस्टम है क्या, नहीं है, ठीक है। अब एस्क हेलमिंथस के बारे में बात करेंगे, देखो बायलैटरल सिमेट्री अपन को ऊपर से देखने को मिला था, एस्क हेलमिंथस वो पक्का ऑर्गेनिज्म थे जहां सबसे पहले क्या मिला आपको ऑर्गन सिस्टम, ठीक है। ये तो पक्का पक्का है ऑर्गन सिस्टम यहीं से देखने को मिला, ऊपर भी लिखा है बट एक्चुअल में कहा यहीं से, ठीक है। बायलैटरल सिमेट्री प्लैटी हेलमिंथस से है इनके पास, ठीक है। स्यूडो सीलोमेट्स है, ये भी आपको याद रखना, ये एक ही पर्टिकुलर फाइला है जिनको जिनके पास क्या है स्यूडो सीलोम, नकली सीलोम है, ठीक है। सेगमेंटेशन में नहीं है, कंप्लीट देखो कितने सारे फीचर जो नए इनके पास है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, स्यूडो सीलोमेट्स ये नया चीज़ है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब माउथ और एनस के लिए सेपरेट सेपरेट ओपनिंग, सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं है और रेस्पिरेटरी सिस्टम भी नहीं है। ये क्या है ऑफन वर्म शेप्ड है, इलांगेटेड है, कौन आता है बच्चों इसमें, राउंड वर्म्स जो है इसी में आते हैं, वुकेरेरिया बैंक्रॉफ्टी जो है इसी में आता है। ये सब जो चीज़ें आपको जल्दी से दिमाग में आ जाना चाहिए, दिस इज अ काइंड ऑफ रिविजन, ठीक है। एंड देन वी हैव एनलिड्स, एनलिड्स का देखो एनलिड्स के पास क्या है बॉडी सेगमेंट्स है, सेगमेंटेड लाइक वॉट रिंग्स, बॉडी जो सेगमेंटेड है रिंग जैसे, एनलिड्स में कौन आता है वर्म्स, पक्का पक्का वर्म्स ना, अर्थ वर्म ये सब जो है एनलिड्स में आएंगे। ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये तो इधर से चालू हो गया था, इनके पास भी है बायलैटरल सिमेट्री इनके पास है। अब बच्चा इधर क्या इनको नया मिला, एनलेट्स के पास क्या है सीलोमिक कैविटी, दे आर सीलोमेट्स, यहाँ से शब्द क्या है सब क्या है सीलोमेट्स रहेंगे एनलेट्स से, ठीक है। तो प्लैटी हेलमिंथस से सब बायलैटरल सिमेट्री शुरू हुआ, ठीक है। एस्क हेलमिंथस सारा कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम शुरू हुआ एंड ऑल्सो ऑर्गन सिस्टम शुरू हुआ, एनलेट्स से क्या शुरू हुआ सारे जो है सीलोमिक कैविटी रहेगा उनके पास, दैट इज दे आर सीलोमेट्स, ठीक है। सेगमेंटेशन क्या है आपको मिलेगा, ठीक है, एनलिट्स में क्या है आपको मिलेगा, तीन तीन पर्टिकुलर फाइला रहते हैं जहाँ पे यू कैन फाइंड मेटामेरिज्म, यू कैन फाइंड मेटामेरिज्म एंड दैट इज एनलिट्स आर्थ्रोपोड्स एंड कॉर्डेट्स, जस्ट रिमेंबर दैट, ठीक है। उसके बाद सेगमेंटेशन के बाद डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो कंप्लीट है, बता दिया आपको। सर्कुलेटरी सिस्टम जो है प्रेजेंट है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है धीरे धीरे से जो है डेवलप करने लगा है, दे हैव अ क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, ये भी याद रखना, एनलिट्स के पास क्या है क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। रेस्पिरेटरी सिस्टम भाई नहीं बना है अभी, ठीक है। अब ये भी लिख दो इनके पास क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम है और क्लोज्ड है, ये यहाँ से शुरू हुआ है, ठीक है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो दो चीज जो है यहाँ से शुरू हो गया। अब आर्थ्रोपोडा का देखो ऑर्गन सिस्टम है, बायलैटरल सिमेट्री है, सीलोमेट्स है, ये तो ऊपर से चालू है। प्रेजेंट क्या है सेगमेंटेशन प्रेजेंट, आई टोल्ड यू मेटामेरिज्म जो है वो दिखाते हैं। एंड देन दे हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, ये भी ऊपर से चालू है, ठीक है। सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है भाई, कैसा प्रेजेंट है इनके पास
ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम क्या है इनके पास, आर्थ्रोपोडा के पास क्या रहेगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, ये याद रखोगे ठीक है। और क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम भाई प्रेजेंट है इनके पास, याद है आपको बुक लंग्स, ट्रैकल सिस्टम, ये सब आपको देखने को मिला था, दैट इज व्हाट दैट हेल्प्स इन रेस्पिरेशन। फीचर क्या है, एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल जॉइंटेड अपेंडिजेस, है ना, आर्थ्रोपोडा मतलब क्या है, जॉइंटेड अपेंडिजेस होता है, एक्सोस्केलेटन जो है वो क्यूटिकल से बना रहता है, आप रिमेंबर करो, सोचो उसके बारे में, कॉकरोच के बारे में आप मार पा सकते हो उसको, नहीं भाई उनका क्यूटिकल से बना रहता है ठीक है। अब मोलस्का, मोलस्का के पास भी सेम सेम फीचर, ऑर्गन सिस्टम है, बायोलैटरल सिमेट्री है, सीलोमेट्स है, ये क्या है भाई, सेगमेंटेशन जो है इनमें नहीं प्रेजेंट है ठीक है, एनलेट्स, आर्थ्रोपोड्स और कॉर्डेट्स में सेगमेंटेशन प्रेजेंट है ठीक है। एंड देन वी हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक है भाई, ये तो ऊपर से आ रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है। रेस्पिरेशन के लिए मॉलस्क के पास क्या था, गिल्स था, याद है फेदर गिल्स, उनके जो मेंटल कैविटी के बीच में था, दे हैड व्हाट, फेदर गिल्स। इसमें फीचर क्या है, एक्सटर्नल स्केलेटन ऑफ शेल यूजुअली प्रेजेंट, ये शेल कौन सिक्रीट कर रहा है, मेंटल जो है वो सिक्रीट कर रहा है ठीक है। देन वी केम टू एकाइनोडर्म्स, एकाइनोडर्म्स में स्टारफिश आता है ठीक है, इसमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, रेडियल सिमेट्री है, ऊपर दो के पास रेडियल सिमेट्री था भाई, इनके पास भी है पर इनके अडल्ट फॉर्म के पास ही है ठीक है, ओनली अडल्ट फॉर्म हैज व्हाट, रेडियल सिमेट्री, उनके जो लार्वल स्टेज है वो क्या शो करता है, बायलैटरल सिमेट्री शो करता है, सो यू हैव टू कीप दिस थिंग इन माइंड ठीक है। सीलोमेट है, एंड देन सेगमेंटेशन क्या है भाई, एबसेंट है, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, एंड देन रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, उनका जो ट्यूब फीट है वहाँ से क्या है, रेस्पिरेशन होता है ठीक है। इनमें क्या है, डिफाइनिंग फीचर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये चीज, दैट इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम और रेडियल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री इन अडल्ट फॉर्म्स, लावल में क्या, बायोलैटरल सिमेट्री, ऊपर क्या था, वाटर कैनाल सिस्टम था, दिस इज वाटर वैस्कुलर सिस्टम, दिस इज डिफरेंट ठीक है। फिर हेमिकॉर्डेटा आया, हेमिकॉर्डेटा के पास सब कुछ है जो ऊपर है ठीक है, ऑर्गन सिस्टम है, बायोलैटरल सिमेट्री है वापस से, सीलोमेट्स है, और फिर सेगमेंटेशन नहीं है भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो भी प्रेजेंट है, ऊपर से इधर से जो है सबके पास क्या है, रेस्पिरेटरी, आर्थ्रोपोडा से सबके पास क्या है, रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो प्रेजेंट रहेगा ठीक है, आर्थ्रोपोडा से सबके पास रेस्पिरेटरी सिस्टम है, एटलीस्ट ऑर्गन्स तो है भाई ठीक है। ये भी वर्म लाइक है, इनके पास क्या है, प्रोबोसिस रहता है, फिर कॉलर रहता है, फिर ट्रंक रहता है, याद करो कुछ ऐसा दिखता था वो, ऐसा कुछ ठीक है, प्रोबोसिस, कॉलर और ट्रंक रहता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव कॉर्डेट्स, जो आज अपन ने खत्म कर लिया है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, बायोलैटरल सिमेट्री है, सीलोमेट्स है, सेगमेंटेशन है, मैंने आपको बताया था इंटरनल सेगमेंटेशन दिखता है ये, दिखाता है ये, डाइजेस्टिव सिस्टम जो है कंप्लीट है, सर्कुलेटरी सिस्टम जो है प्रेजेंट है बच्चा अपने पास एकदम अच्छा खासा, रेस्पिरेटरी सिस्टम भी प्रेजेंट है, वी हैव लंग्स, नोटोकॉर्ड है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड, अपन के पास क्या है, डॉर्सल होलो नर्व कॉर्ड है, पीछे की तरफ है नर्व कॉर्ड, होलो है, यूजुअली इन सब के पास क्या रहता है, वेंट्रल पोजिशन में रहता है नर्व कॉर्ड, जिनके पास भी है ठीक है। गिल स्लिट्स विथ लिम्स और फिन्स, गिल स्लिट्स रहता है विथ लिम्स और फिन्स, एम्ब्रियोनिक स्टेज में अपन के पास भी क्या है, गिल स्लिट्स रहता है, फिर वो चेंज हो जाता है। So these are the defining characteristics of what? Of all the different phyla. And with this we complete the animal kingdom, which is a big, 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 big thing. Now I have a question for you, just for revision. Jaldi se jo ye question hai, solve karte hain apan. ऑपरक्यूलम जो है किसमें देखा जाता है, ऑपरक्यूलम क्या होता है, जो गिल स्लिट्स को कवर करता है वो पर्टिकुलर चीज है, ऑपरक्यूलम किसमें देखा देखा जाएगा, ऑब्वियसली इट इज फाउंड इन ऑस्टिथिक्स, जो बोनीफिशेस थे वो ऐसे बोलते हैं कि भाई हम शो ऑफ करना प्रेफर नहीं करेंगे, हम छोटे हैं पर हम शो ऑफ करना प्रेफर नहीं करेंगे, हमारा गिल स्लिट जो है हम छुपा के रखेंगे ठीक है, उनके पास 4 pairs ऑफ गिल्स है इस ऑपरक्यूलम के अंदर। देन अब बात करते हैं पैरापोडिया के बारे में, पैरापोडिया क्या था, नीरीस में देखा था अपने बहुत सारे चुन्नू मुन्नू से पैर थे ठीक है, पैरापोडिया था, जिसकी वजह से क्या है वो रेत में ऐसे ऐसे करके मूव करता है और पानी जो है अंदर घुसेड़ता है राइट, इफ़ यू रिमेंबर। सो पैरापोडिया नीरीस में है, नीरीस कहाँ पे है भाई, नीरीस एनलेट्स में आता है, क्या है, नीरीज जो है एनलिट्स में आता है। अब स्केल्स की बात करें, स्केल किसके बॉडी में रहेगा, यहाँ पे आप देखो स्केल किसके बॉडी में रहेगा, आपको पता है, बता बता बताओ, ऑब्वियसली स्नेक्स, स्नेक्स और क्रोकोडाइल इन सब में स्नेकल्स स्केल्स है, तो ये सब कहाँ आता है, रेप्टाइल्स में आता है, सो रेप्टीलिया हो गया। कोम प्लेट्स, आई टोल्ड यू कोम जेली के पास रहता है कोम प्लेट्स, तो कोम जेली क्या है, टीनोफोरा में आता है, टीनोफोरा को ही, टीनोफोरेंस को क्या बोलते हैं, कोम जेलीज बोलते हैं, सो कोम प्लेट्स यहाँ पे मिलेगा आपको।
रैडुला जिसे क्या है स्क्रेप करके खाते हैं ना, ये कौन स्क्रेप कर रहा है, मोलस्क, मोलस्क के पास जो स्नेल है उनके पास क्या है रेडुला रहता है, जो स्क्रेप करके जो स्टोन है उसको स्क्रेप करके खाना खाते हैं राइट, उनको एल्गे वैल्गे पकड़ करके खा लेते हैं। सो वी हैव मोलस्का फॉर दिस। हेयर्स, देयर इज नो वर्ड लाइक हेयर, हेयर है, हेयर किस में मिलेगा आपको, यू विल फाइंड दैट हेयर इन मैमेलिया, अपन के पास क्या है भाई ये हेयर है। क्वाइनोसाइट्स, क्वाइनोसाइट्स क्या है भाई, वो खाना ब्रेक डाउन करने में हेल्प कर रहा था है ना, और क्या उसके पास सीलिया सब कुछ था, याद करो पॉरीफेरा सब सबसे अंदर वाला जो लेयर है उसमें क्या है क्वाइनोसाइट्स का क्वाइनोडर्म बनता है राइट, क्वाइनोडर्म बनता है, वो क्या है पानी को मूव करने में हेल्प कर रहा है, उसके पास फ्लैजलम है सब कुछ है, याद करो वो खाना जो है कैप्चर कर रहा है, ले रहा है, डाइजेशन कर रहा है। सो क्वाइनोसाइट्स आर सीन इन व्हाट, पॉरीफेरेंस। अब गिल स्लिट्स, गिल स्लिट्स कहाँ देखने को मिलेगा आपको बच्चा, गिल स्लिट्स आपको देखने को मिलेगा साइक्लोस्टोमाटा में और कॉन्ड्रिक्टिस में, ये क्या खुले खुले शो ऑफ करते हैं लोग ठीक है। कॉन्ड्रिक्टिस मतलब कार्टिलेजिनस फिशेस, शार्क हुआ बड़ा ऑफ द फिश ठीक है, ये सब क्या है इसमें गिल स्लिट्स आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ये चीज़ जो है मेरे हेल्प के बगैर करने को मतलब समझ में आ रहा था या फिर मेरे साथ साथ करते बन रहा था, इसका मतलब क्या है आपको एकदम सब कुछ क्लियर है, अगर नहीं करते बन रहा डू नॉट बी डिसहार्टेंड, होता है बच्चा सब होता है, यू डोंट हैव टू वरी फॉर दैट ठीक है। जल्दी से जल्दी रिवाइज करो, आई नो दैट कहीं ना कहीं छुपा होगा, बहुत सारी चीज़ें पढ़ रहे हो तो आई गेट इट, आप पे बहुत ज़्यादा प्रेशर है, इतना प्रेशर कर लोड मत लो ठीक है, आराम से पढ़ो, आराम से पढ़ोगे तो चीज़ें जो है अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। एंड विथ दिस वी हैव कम्प्लीटेड द एंटायर चैप्टर, सारा चैप्टर जो है अपन ने खत्म कर लिया बच्चा, सो दैट इज़ अ बिग थिंग राइट। ओके, so I thank you from the bottom of my heart for being with me throughout the journey of this particular chapter. I hope that it was very very helpful. If at all this whole session was helpful, please do not forget to like, share, subscribe and comment down your very valuable comments because it means a lot right. So yes, stay motivated bachcha log and padho aur padhao right. So bye bye, take care.